अगर कोई डिमित्री डिफीट कर सकता है तो वो है ओरियन, लेकिन उसके लिए भी सही स्किल्स इक्विप होना जरूरी है। तो मेरे पास तीन टाइप की ओरियन स्किल कॉम्बिनेशन है, जिसमें से दो ग्रैंड मास्टर के टॉप 100 प्लेयर भी यूज करता है, वो भी सबसे ज्यादा। पहले बात करते हैं नंबर 3 मोस्ट यूज्ड स्किल कॉम्बिनेशन ऑफ ओरियन। मोस्ट यूज्ड का अर्थ ये कि जो सबसे ज्यादा यूज होता हो। ओके, तो हम लोग देखते हैं कौन सा स्किल है। तो सबसे पहले हम लोग को ओरियन में आना होगा, तो आप लोग भी ओरियन इक्विप कर लो। ओरियन इक्विप करने के बाद आप लोग देखो यहां पे कौन से स्किल ज्यादा सबसे ज्यादा यूज होता है। ठीक है, तो हम लोगों को पता है यहां पे मिगवेल तो ज्यादा यूज होगा ही, क्योंकि मिगवेल और ओरियन का एक कॉम्बो बनता है। क्योंकि यहां पे आपको पता ना, आपको ईपी मिलता है जब भी आप लोग किसी बंदे को मारोगे, तो यहां पे इसलिए हम लोग को मिगवेल लेना कंपलसरी है। ओके, मिगवेल ले लो ओरियन के साथ। अब यहां पे देखो दो स्किल है। ओके, दो स्किल, कौन से स्किल है? तो देखो, सबसे पहला एक ऐसा स्किल है जिससे आपको ना एचपी मिलता हो। कौन सा स्किल है? लियोन का एचपी। अब देखो, लियोन कैरेक्टर हम लोग को यहां पे इसलिए इक्विप करना है क्योंकि ये आपको रिकवर करके देगा 60 एचपी आफ्टर सर्वाइविंग अ कॉम्बैट। जब भी आपके सामने कोई बंदा होगा ना, आपको महसूस होता है, तो ओरियन को पहले पता चल जाएगा, मतलब आपका जो कैरेक्टर है उसको पहले पता चल जाएगा लियोन को कि सामने कोई बंदा है। एंड आप लोग थोड़ा दूर चले जाओगे तो यहां पे आपको ना एचपी मिलते रहते, ठीक है। उसके सामने भी रहोगे ना, आपको सर्वाइव करना है बस कॉम्बैट वगैरह, तो आपको 60 एचपी ऐसे ही देते रहेगा। मतलब आपको कोई मेडिकेट मारने की जरूरत भी नहीं है। मैं आपको ना क्लिप भी दिखाऊंगा किस तरह से ये कैरेक्टर काम करता है कि नहीं, वो भी दिखाऊंगा, ठीक है, ये स्किल कॉम्बो। लेकिन सबसे पहले कैरेक्टर कॉम्बिनेशन बना लेते हैं। तो अभी हम लोग को देखो सेकंड कैरेक्टर कॉम्बिने लिया पैसिव का, यहां पे हम लोग तीसरा नंबर कॉम्बो लेना पैसिव का। यहां पे देखो तीसरा नंबर कॉम्बो क्या है, ये देखो लियोन के साथ एक और जो कैरेक्टर है कॉम्बो बनता है। देखो कौन सा कैरेक्टर है, वो है ओठो का कॉम्बो। आप लोग ने कभी ओठो कैरेक्टर यूज किया है? तो ओठो आप लोग को पता ना क्या काम करता है अभी के डेट में, क्योंकि OB41 अपडेट के बाद इसका स्किल कुछ अलग काम कर रहा है। क्योंकि पहले क्या था, ओठो में आपको 25 मीटर के रेंज में किसी बंदे को मारोगे ना, तो यहां पे आपको ना मिलता है एनिमी का लोकेशन वगैरह, पोजीशन वगैरह मिलता था। लेकिन अभी के डेट में क्या कर रहा है, इसमें आपको 20 मीटर कर दिया, थोड़ा रेंज कमा दिया, 25 से 20 मीटर कर दिया, लेकिन यहां पे ना आपको मूवमेंट भी स्लो करवा देगा एनिमी का। तो ये एक फायदा मिलता है कि एनिमी का मूवमेंट स्लो रहा है, प्लस उनका लोकेशन मिल रहा है, प्लस अगर हम लोग को कोई बंदा मारेगा उनको भी तब भी उनका मूवमेंट स्लो कर देगा। इसलिए यहां पे ना ऑटो कैरेक्टर यूज करो, क्योंकि देखो हम लोग यहां पे ना ओरियन बनकर खेलते हैं। अब ओरियन के ऊपर सब लोग हमला कर देगा, यहां पे कौन मदद करेगा? लियोन और ओठो ही तो मदद करेगा ना, मिगवेल तो ईपी देते रहेगा ना। तो इसीलिए यहां पे ओठो और यहां पे मैंने मिगवेल लिया है और यहां पे लियोन लिया है, ठीक है। तो ये ओरियन स्किल कॉम्बिनेशन का एक बार टेस्ट करके देखते हैं क्या ये वर्क होता है। फ्री फायर जितने भी स्किल मैंने आज तक देखा है ना, तो यहां पे यही मोस्ट यूज स्किल कॉम्बो है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहां पे फर्स्ट राउंड जब भी आएगा ना, आप लोग को बॉनफायर मार लेना है। ओके, आपको ओरियन का एनर्जी रीजेनरेट कर लेना है, ठीक है, एनर्जी जनरेट कर लेना ताकि आप लोग को एनर्जी से फायदा मिले। यहां पे मैंने वही किया। अब आप लोग देखो मैं कैसे बंदा वगैरह मारता हूं, आप लोग देखते जाओ। तो यहां पे बंदा वगैरह है कि नहीं पहले वो भी देखना जरूरी है। तो यहां पे मुझे बंदा मिल चुका है, इनके लोकेशन में मैं आ गया। यहां पे शायद से इस घर के अंदर बंदा है, तो मेरे पास शॉटगन है। आप लोग देखो यहां पे एक बंदा को मैंने मारा और यहां पे देखो मुझे ना लियोन एचपी दे रहा है। आप लोग देख रहे हो गाइस, देखो 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 ये भाई कितना अच्छा लगा मुझे। मैं यहां पे मेडिकेट मारूंगा नहीं, तभी भी मेरा एचपी फुल होगा, लेकिन मैंने तभी भी यहां पे अपनी सेफ्टी के लिए एक मेडिकेट मार लिया। यहां पे असल में दो मेडिकेट मारना पड़ता ताकि जैसे ना मुझे इस बंदा ने हीट किया था ना, मुझे दो मेडिकेट चाहिए था, लेकिन मुझे बोलता ना गाइस लियोन ने बचा लिया मेडिकेट मारने से। यहां पे वही हुआ। तो यहां पे देखो गाइस एक बंदा को मारा ना, उसी वक्त ना इसका सोनिया एक्टिव हो गया था, तो मैंने अपना ओरियन से उसको नॉक कर दिया। ओरियन एचपी इंक्रीज कर लेता ना, अपना खींच लेता अंदर, वही बात है गाइस, ठीक है। यहां पे वही हुआ, फिर से देखो गाइस इसका सोनिया एक्टिव हुआ, मैंने इसको फिर से ओरियन से नॉक कर दिया। भले मैं इस गेम को डिफीट कर लिया, मतलब इसको यहां पे डिफीट कर दिया, चौथा नंबर प्लेयर से मैं मर गया, लेकिन मैं बोलता हूं भाई ये स्किल कॉम्बो मोस्ट यूज्ड स्किल ना, बहुत ही परफेक्ट स्किल कॉम्बो है गाइस, ठीक है, आप लोग यूज कर सकते हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं ओरियन स्किल कॉम्बिनेशन नंबर 2। तो ये ग्रैंड मास्टर प्लेयर ने बताया था कौन सा स्किल है, आप लोग देखो टॉप 100 का ग्रैंड मास्टर प्लेयर लोग यूज करते हैं। ओके, तो यहां पे सबसे पहले आपको ना पैट लेना होगा। तो मैं आपको बोलना चाहता हूं पैट आप लोग ना ये पैट ले लो, ठीक है। ये जो आप लोग देख रहे हो गाइस रैबिट पैट जो बोलते हैं ना हम लोग, इसको ले लो, कि यहां पे आपको ना 50 ईपी मिलता है जब भी जोन श्रिंक होता है। ओके, तीन चार बार जोन श्रिंक होता है, आपको पता है तीन बार होता है, तो यहां पे इसलिए आप लोग 50 एचपी मिलेगा, मतलब आपको 150 एचपी ऐसे ही मिल जाएगा, ठीक है, 150 ईपी। ताकि देखो ईपी हम लोग इसलिए चाहिए क्योंकि आप लोगों को पता ना यहां पे ओरियन को चार्ज करने के लिए, अगर हम लोग कील वगैरह नहीं करेंगे तो यहां पे ओरियन कैसे चार्ज होगा, हम लोग को पैट ही चार्ज करेगा ना, इसीलिए यहां पे हम लोग को ये पैट लेने के बाद आप लोग देखो गाइस हम लोग को मिगवेल कैरेक्टर लेना चाहिए। तो आप लोग को पता ना मिगवेल क्यों मैं आपको लेता,
सकता होगा ताकि ओरियन को ईपी मिले, ओके, इसीलिए यहाँ पे एनर्जी जो हम लोग बोलते हैं। अब मिग्वल लेने के बाद यहाँ पे दो स्किल बचा है जो ओरियन को सबसे ज्यादा हेल्प करता है। तो मैंने ग्रैंड मास्टर प्लेयर वर्ड से पूछा तो उन्होंने मुझे बताया कि आप ना स्केयरक्रो भाई एक काम करो, आप अपने बियर्स को बता दो एंटोनियो कैट्रो लेने के लिए। अब मैंने पूछा एंटोनियो क्यों, तो उन्होंने मुझे क्या जवाब दिया पता है, एंटोनियो से आपको 40 एक्स्ट्रा स्किल पॉइंट मिलता है। तो एक काम करो स्केयरक्रो भाई, उनको बोलो एंटोनियो लेने के लिए, ताकि जैसे कोई बंदा उनके ओरियन पे हिट करेगा ना, सबसे पहले उनका एंटोनियो का एचपी जाएगा जो शील्ड पॉइंट होगा। यस माय फ्रेंड, आपका जो शील्ड पॉइंट रहता है ना, यहां पे एंटोनियो आपको 40 एक्स्ट्रा शील्ड पॉइंट देता है जो स्टार्टिंग में देगा आपको, बिगिनिंग ऑफ द मैच जो स्टार्ट का राउंड वगैरह होता है उस टाइम में देगा, प्लस आपको एक टाइम होता है जब आपको रिकवर करता है ईपी, जो आप लोग का बोलते हैं ना एचपी शील्ड पॉइंट, ठीक है, वो आपको टाइम टाइम में देते रहेगा जो आप लोग का एंटोनियो है। इससे क्या होगा, आपको मेन एचपी इफेक्ट नहीं होगा ओरियन में, ठीक है, तो इसलिए यहां पे एंटोनियो यूज करो। अगर आपको और थोड़ा मतलब एचपी शील्ड पॉइंट चेस केयर को भाई, तो अपने व्यूअर्स को बता दो कि एक ऐसा कैरेक्टर है फ्री फायर ने दिया है, उस कैरेक्टर का नाम है सानी कैरेक्टर। मैंने बोला सानी कैरेक्टर क्यों लेना है, तो उन्होंने मुझे सिंपल सा जवाब दिया कि जब भी हम लोग तत्सुया यूज करते हैं तो हम लोग सानी 40 नहीं 50 एक्स्ट्रा शील्ड पॉइंट देता है। सोचो गाइस, 40 भी नहीं 50 एक्स्ट्रा शील्ड पॉइंट देता है, मतलब 290 एचपी यहां पे मुझे कंप्लीट कर दिया उस भाई ने। तो यहां पे हम लोग देखो, जब भी हम लोग ओरियन यूज करेंगे ना टाइम टाइम में, मतलब 10 सेकंड के बाद अगर ओरियन बनते तो हम लोग सानी एक्टिव हो जाएगा। सोचो गाइस, आप लोग चार बंदे को इजीली मार सकते हो जब भी आपके पास एंटोनियो और सानी जैसा कॉम्बिनेशन आपका गेम में इक्विप होगा कैरेक्टर स्किल में। मैं आपको एक गेम प्ले भी दिखाऊंगा इसका, कैसे वर्क होता है कि नहीं, क्या ये भाई ने मुझे सही स्किल दिया कि नहीं, उसका एक क्लिप देख लेते हैं गेम में। तो चलो फ्रेंड्स, मैं आ चुका हूं गेम पे और अपने पास बॉनफायर है, तो पहले बॉनफायर मार ही लेते हैं। तो चलो, मैंने बॉनफायर लगा दिया और अपने पास एंटोनियो और शानी का स्किल है, तो टेंशन नहीं लेना, इस गेम में मैं ट्राई करूंगा क्वाड्रा लेने का, ओके। तो चलो देखते हैं गाइस, यहां पे नेक्स्ट मैप लगाया है वैसे भी, तो यहां पे हम लोग जाने की कोशिश कर रहे हैं यहां पे राइट साइड से, वो भी स्टेयरकेस की मदद से। तो यहां पे एनिमी लग रहा है मुझे, शायद से लग रहा होना चाहिए, ऐसे भी फर्स्ट राउंड है ना, तो यहां पे मेरे पास तो G18 है, तो देखते हैं एनिमी कहां पे। ओ, आगे बंदा है, तो यहां पे मुझे ना एंटोनियो ने पहले अपना 40 एचपी दे दिया, आप लोग देखो गाइस 3 एचपी, उसके बाद जैसे मैं ओरियन बनता हूं यहां पे देखो मुझे शील्ड पॉइंट मिला है सानी की तरफ से। मैं बंदा मार रहा हूं, मेरा पहला शील्ड पॉइंट पहले खत्म हो रहा है, मुझे एचपी में इफेक्ट नहीं कर रहा है। आप लोग देखो, मैंने एक बंदा नॉक किया, दूसरा बंदा को भी नॉक किया, उसके बाद जैसे मैंने ओरियन बना मुझे फिर से सानी ने शील्ड पॉइंट दे दिया, और इसके बाद तीसरा बंदा भी नॉक हुआ। अब बस बचा है चौथा वाला बंदा, मैं ट्राई करूंगा क्वाड्रा लेने का, ओके। चलो देखते हैं बंदा कहां पे नीचे है क्या, शायद से, हाँ जी नीचे ही बंदा है। तो यहां पे एक मेडिकेट मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन मेडिकेट मारने का टाइम ही नहीं मिला। चलो कोई नहीं, सानी अपना एक्टिव हो गया, सानी मुझे बचा लिया। यहां पे देखो सानी मुझे बहुत अच्छा हेल्प कर रहा है, एंटोनियो भी बहुत ज्यादा हेल्प कर रहा है, दोनों एचपी मिला के मुझे 290 एचपी मिलता है, ठीक है, सब मिला के। तो यहां पे मैंने डिफीट नहीं हुआ, इस बार मैंने विक्ट्री किया। तो आप लोग देखो गाइस ये गेम, आप लोग मैं बोलूंगा ना ये स्किल कॉम्बिनेशन भाई जिसने दिया ना ग्रैंड मास्टर प्लेयर, सैल्यूट है भाई को, आप लोग यूज कर सकते हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं ओरियन स्किल कॉम्बिनेशन नंबर 1, ओके। तो ये नंबर 1 स्किल कॉम्बिनेशन एक ग्रैंड मास्टर का टॉप 46 था, टॉप 47 नंबर प्लेयर ने मुझे बताया था, तो उन्होंने मुझे एक बहुत ही परफेक्ट स्किल कॉम्बिनेशन बताया, ठीक है। तो यहां पे सबसे पहले हम लोग ना यहां पे मिग्वेल कैरेक्टर ले लेते हैं, ताकि गाइस थोड़ा कंफ्यूजन ना हो, इसलिए मैंने पहले ही मिग्वेल इक्विप कर लिया। अब देखो, मिग्वेल लेने के बाद मैंने उनसे पूछा कि भाई मुझे दो स्किल ऐसा बताओ जो मुझे ओरियन और मिग्वेल के साथ इक्विप करना चाहिए। तो उन्होंने मुझे क्या बताया पता है, उन्होंने मुझे बोला आप एक काम करो स्केयरक्रो भाई, सोनिया कैरेक्टर ले लो। मैंने पूछा सोनिया क्यों, तो उन्होंने मुझे बताया कि आप जब भी नॉक होगे ना उस टाइम में आपका सोनिया एक्टिव होगा एंड आपको बचा लेगा। इसलिए आप लोग बहुत सारे ऐसे प्लेयर है जो अभी के टाइम में सोनिया यूज कर रहे ओरियन के साथ, तो मैंने बोला कि भाई चलो सोनिया तो ले लेंगे, लेकिन क्या ऐसा कैरेक्टर है जो फ्री फायर में आपको एचपी मिले जब बंदे के मरने के बाद। तो उन्होंने मुझे बताया कि हां भाई एक ऐसा स्किल है, क्योंकि जब भी आप लोग सोनिया बनोगे तो आप लोगों को बंदा मारना पड़ेगा ना, इसलिए आपको एचपी भी मिलेगा। एक ऐसा कैरेक्टर है जब भी आप किसी बंदा को मारोगे तो आपको एचपी मिलेगा, वो भी आपको 60-40% एचपी मिलेगा, ठीक है। तो उस कैरेक्टर का नाम है जोटा कैरेक्टर का एबिलिटी, इसको इक्विप करो आप अपनी सोनिया के साथ। अब क्या होगा,
जब भी आप लोगों को सोनिया बनेगा उस टाइम में आप लोगों को बंदा मारना पड़ेगा, एंड आप लोग जैसे किसी बंदा को मारोगे आपको यहाँ पे ना आप बच भी जाओगे, प्लस आपको यहाँ पे एचपी भी मिलेगा। यहाँ पे कोई लियोन यूज करने का जरूरत नहीं है, यहाँ पे मिगुएल काम करेगा, यहाँ पे आपका सोनिया भी काम करेगा, प्लस जोटा भी काम करेगा, लेकिन यहाँ पे आपको बॉनफायर लेना जरूरी है। प्लस एक कैरेक्टर मुझे पैड बताता है, ठीक है, पैड बताता था उसने जो बहुत ज्यादा काम करता है पैड, ठीक है। मैंने पूछा कौन सा पैड है ऐसा बताओ जो फ्री फायर में आपको मेडिकेट मारने के बाद ईपी मिलता हो, तो उन्होंने मुझे क्या बताया पता है, ओटेरो पैड। यस माय फ्रेंड, जो आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हो ओटेरो पैड, इसमें क्या होगा आपको ना एचपी मिलता है प्लस ईपी भी मिलता है। जब भी आप लोग कोई बंदा मेडिकेट मारोगे ना आप लोग को 65% आपका एचपी से ईपी हो जाएगा। मतलब देखो जब भी हम लोग यहाँ पे मेडिकेट मार रहे हैं हम लोग का ईपी इंक्रीज हो रहा है। आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हो गाइस, स्क्रीन पे देख रहे हो ना गाइस, यही बहुत ज्यादा फायदेमंद है। लेकिन मैं तो बोलूंगा आप लोग यहाँ पे ना एक और पेट आप लोग यूज कर सकते हो गाइस, जैसे मैं आपको हमेशा बोलता हूँ ये रैबिट पेट, ठीक है, इसको भी आप लोग यूज कर सकते हो। ये आपको टाइम टाइम में जोन श्रिंक के बाद आप लोग को एचपी देते रहेगा, मतलब ईपी देते रहेगा, ठीक है, ताकि आपका ओरियन रिचार्ज हो जाए। अब हम लोग टेस्ट करते हैं इसका स्किल कॉम्बिनेशन, क्या ये वर्क हो पाती है कि नहीं। चलो आ जाओ फ्रेंड्स, मैं हूँ गेम पे और आप लोग देखो ये कौन सी मैप है। ये आप लोग न्यूरेक डेम का मैप लगा है बरमुदा का, तो यहाँ पे हम लोग जाना गाइस, ठीक है। मेरे पास तो सोनिया है, कोई टेंशन नहीं, लेकिन देखो एक और चीज है, सोनिया के साथ ना आपको दिमित्री वाला भी प्लेयर होना चाहिए, ठीक है। इसलिए यहाँ पे एक काम करो, देखो जैसे मेरा पे मैं नॉक होने वाला था, मेरा सोनिया ने मुझे बचा लिया, प्लस यहाँ पे जैसे मैं कवर पे आया तो मेरा टीममेट ने मुझे बचा लिया अपना दिमित्री और तीवा की कॉम्बो से। आपके टीममेट में ऐसा प्लेयर भी होना चाहिए जो आपका ओरियन को थोड़ा हेल्प भी करे। उसके बाद मैंने थोड़ा पीछे आया, यहाँ पे ना अपना चार्ज करने के लिए यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे ना बॉनफायर भी लगा दिया, प्लस किसी एक बंदा को मारा ना मुझे एचपी मिला, तो ये बहुत ही अच्छा लगा। आप लोग का पास अगर मेडिकेट ना हो आप लोग बंदे को मार के भी अपना एचपी इंक्रीज कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है सोनिया एक्टिव होने के बाद आप लोग को बंदा मारना पड़ेगा, इसलिए ये मुझे अच्छा चीज लगा यार। तो आप लोग देखो यहाँ पे एक और बंदा था गाइज, इसको हम लोग काम करते हैं अपनी ओरियन से मारने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे मैं ओरियन बन चुका हूँ और आप लोग देखो वो बंदा मुझे हिट ही नहीं कर पा रहा था, उसका सोनिया एक्टिव हो गया, आप लोग देख रहे हो गाइज, ये बंदा भी खत्म कर दिया। तो इस तरह से गाइज मैंने बुया किया, आप लोग देखो गाइज, तो ये स्किल भी परफेक्टली वर्क हो रहा है। कुछ ट्रिक्स वगैरह है जिससे मैं ओरियन को डिफीट कर पाऊँ, ओरियन बहुत ज्यादा ओवरपावर चल रहा है, उसको मैं डिफीट करना चाहता हूँ एक वीडियो के जरिए से, तो मुझे प्लीज उसका तरीका बताओ जिससे मैं ओरियन को डिफीट कर पाऊँ। प्लीज कमेंट बॉक्स में आप लोग ट्रिक्स वगैरह बताओ यार सब लोग।